सूरत में वेसूमा आवेला आगम शॉपिंग सेंटर में शुक्रवार सवारे बुटलेगर ने रूपियानी लेती देती में पतावी देवामां आव्यो हतो। दारूना धंधानी अदावत में हरीफ एवा माथाभारे बुटलेगर प्रदीप उर्फ सेंडी शुक्ला सहित त्रण जणाने तीक्ष्ण हत्यारना घा झीकी मौत ने घाट उतार्यो हतो, जेथी तपास में गणतरीना समय में ज आरोपीओने महाराष्ट्र थी झड़पी लेवामां आव्या हता। चौर्यासी तालुकाना अव्वा गामना गणेश फळियामां नानू उर्फ नानियो डाहियाभाई पटेल कौटुंबिक भद्रीजा साथे चानी लारी पर बैठो हतो। आ दरमियान त्रणेक युवानो मोपेड पर आव्या हता, जेणे नानिया पर तीक्ष्ण हथियारथी हुमलो कर्यो हतो, जेथी नानियाने गंभीर रीते इजाग्रस्त हालतमां खानगी हॉस्पिटल लई जवामां आव्यो हतो, ज्यां तबीबोए तेने मृत जाहेर कर्यो हतो। बीजी तरफ पोलीसे समग्र हत्यानो गुनो नोंधी तपास हाथ धरी हती, जेमां सीसीटीवीना आधारे आरोपीओ महाराष्ट्र तरफ नासिक गया होवानुं पण सामे आव्युं हतुं, जेथी पोलीसे टीम मोकलीने आरोपीओने झड़पी लीधा हता। पकड़ायेला आरोपीओमां प्रदीप उर्फ सेंटी भोलानाथ शुक्ला अने शुभम प्रेमनाथ दुबे अने सुनील सिंह उर्फ टाइगर राणा प्रताप सिंह राजपूतने झड़पी लीधा हता। पकड़ायेला आरोपीओए पोलीसनी पूछपरछ मरनार व्यक्तिमां 50,000 रूपिया आप्या हता, તે પૈસા ન આપી અવારનવાર વાયદા કરતો હતો, જે બાબતે અદાવત રાખીને તેની હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત કરી હતી। આજ સુબહે સુરત સિટી કે અલથાન પોલીસ સ્ટેશન મે આગમ શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ કે સામને તીન લોગોને ચાકુસી માર કે એક આદમી કી હત્યા કર દી થી। ઉસકે બાદ મે જબ હમને ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ કિયા તો તીનો આરોપીઓ કો પહેલે આઇડેન્ટિફાઈ કિયા ઓર ઉસકે બાદ મે ઉનકે પીછે અલગ અલગ ટીમ બના કે લગાઈ, તો તીનો આરોપીઓ કો હમારી ટીમ ને नंदुरबार महाराष्ट्र से अरेस्ट किया। तीनों आरोपी प्रदीप उर्फे सेंडी भोलानाथ शुक्ला, ये एसएमसी आवास पिपलौद में रहता है और मूल रूप से ये प्रयागराज यूपी का है। शुभम प्रेमनाथ दुबे उर्फे दामोदर, ये यहाँ डिंडोली में रहता है और ये भी मूल रूप से प्रयागराज यूपी का है। तीसरा आरोपी सुनील सिंह उर्फे टाइगर राणा प्रताप सिंह राजपूत, ये वेड रोड सूरत में रहता है और मूल रूप से गाजीपुर यूपी का है। ये तीनों आदमी जो मरण जनार है उसको प्रदीप उर्फे सेंडी भोलानाथ शुक्ला है, उसने करीब 6 महीने पहले 50,000 रुपये उधार दिए थे और उसको लेके कई बार इनमें आपस में बहस हुई और गई काल रात को मरण जनार ने इनको यहाँ पे आभुआ चौकड़ी पे बुलाया था कि अपने पैसे ले जाओ, तो ये लोग 7 बजे वहाँ आए, 7 बजे से 10 बजे तक कई बार कॉल किया। और ये तीनों जो आरोपी हैं वो नशे की प्रवृत्ति वाले हैं, उस समय भी इन्होंने नशा किया हुआ था। बाद में ये तीनों आरोपी रात को सुनील उर्फे टाइगर का जो वेसु में घर है वहाँ पे जाके रात को सो गए, वहाँ भी इन्होंने रात को दारू पी। अर्ली मॉर्निंग ये लोग उठे तो ये उसी में थे, सुबह उठ के इन्होंने फिर से दारू पी और उसको ढूंढने के लिए निकले, तो ये पहले आबवा गए, वहाँ पे उसको कई देर तक उसकी रेकी की। उसके बाद जब वो आबवा से निकला तो पीछे पीछे बाइक पे उसको फॉलो किया। जब वो आगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे एक अपने परिचित के पास बैठ के चाय पी रहा था, उस टाइम पे इन्होंने पहले से चाकू लिए हुए थे, नशे में थे। तो तीसरा जो आरोपी है सुनील सिंह उर्फ टाइगर, उसने बोला कि आज इसको निपटा देते हैं, 2 दिन से हैरान कर रहा है, तो चाकू से इन तीनों ने ताड़पतोड़ उस पर हमला किया और इसमें मरण जनार है, उसकी डेथ हो गई। इन तीनों को नंदुरबार रेलवे स्टेशन से हमारी टीम ने नंदुरबार पुलिस की मदद से और हमारी क्राइम की टीम इन सब ने मिल के और वहाँ से तीनों को कस्टडी में लिया और अभी पुलिस स्टेशन में आगे का प्रोसीजर इनका चालू किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन। सर हत्या में जिस तरह से उपयोग किया गया है चाकू का, क्या कुछ बरामद हुआ इनके पास से? अभी इनिशियली इसने ट्रेन से चाकू फेंकने की बात कही है कि चलती हुई ट्रेन में से इसने उधना रेलवे स्टेशन के बाद में चाकू कहीं फेंक दिए हैं, तो अभी इनको अरेस्ट किया जाएगा। बाद में इनका मेडिकल कराने के बाद इन्होंने कहाँ फेंका है वो जगह पे जाके चाकू रिकवर किए जाएंगे, और यहाँ से ये लोग जिस बाइक से भागे थे वो उधना रेलवे स्टेशन से हमने रिकवर कर लिया। इनमें से जो आरोपी नंबर एक है प्रदीप उर्फे सेंडी भोलानाथ शुक्ला, उसके ऊपर 4 गुना हैं और वो सूरत सिटी के उमरा पुलिस स्टेशन का लिस्टेड बुटलेगर है, और मरण जनार जो है उसके ऊपर भी 25 जितने गुना दर्ज हैं और वो सूरत सिटी के डुमस पुलिस स्टेशन का लिस्टेड बुटलेगर है। सर ये दोनों के बीच में कोई रंजिश चल रही थी शराब के अड्डे को लेकर? सर नहीं, अभी तक का इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। मृत्यु का इसका जो कारण है मर्डर का वो पैसे की लेती देती को लेकर है, और इसको लेके 2 दिन से लगातार ये लोग अब एक दूसरे से आपस में तनाव में थे और नशे में होने के कारण और सडन उसको देखा और एग्रेसिव होके उसको चाकू मार दिए, उसकी डेथ हो गई।